गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो को डोमिनेंस हम पढ़ा रहे थे, अब यह अधूरा टॉपिक है, तो आज पार्ट फाइव चलेगा। एकदम सीरियली बाय सीरियली हम लिखते जा रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल से निकाल के देखते जाएंगे। पहला पार्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल एलेलिज्म, तीसरा को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस का वहां दो पार्ट बन गया, थ्री फोर हुआ, पांचवा पार्ट में फिर इसका अध्ययन होगा, ठीक ना। तो को डोमिनेंस में जितना हमने बताया इसका दो एग्जांपल बता रहे थे। एग्जांपल फर्स्ट एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम। अभी तक आपको कॉपी पेन नहीं निकालना है, उसमें थर्ड पार्ट में सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जहाँ सिग्नल गई है वहाँ उतारना है। पहले हम हेडिंग लिख लिए हैं, तो एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने फोर्थ पार्ट में बताया कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का हुआ, वो यूनिवर्सल डोनर कहलाया, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाया। यहाँ तक हमने फोर्थ पार्ट में बता दिया, अब वहां से आपको हाफ पैराग्राफ करके लिखना है। तो पहले समझिए, पहले समझिए। अब चार ब्लड ग्रुप के अलावा और ब्लड ग्रुप होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट, ब्लड ग्रुप की जांच किया जाता है एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को भी गौर करना है, पॉइंट इज नोटेड, ब्लड ग्रुप की जांच एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा किया जाता है, अभिश्लेषण परीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा जो किया जाता है, तो चार ब्लड ग्रुप के अलावा तीन और ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, तीन और ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, एम एन एंड एम एन ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तब इस नो ब्लड ग्रुप जो पाए जाते हैं, अब इसका क्या कंडीशन जुड़ा हुआ है वो सब बताएंगे। पहले हाफ पैराग्राफ शुरू करें, अलर्ट हो जाएं, कॉपी पेन निकालें, अब हाफ पैराग्राफ से लिखना शुरू करें। ब्लड ग्रुप की जांच एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट अभिश्लेषण परीक्षण, लिखे जाए आप प्रारंभ करके ब्लड ग्रुप की जांच, तो ऑब्जेक्टिव कम देगा, एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा किया जाता है, अभिश्लेषण परीक्षण के द्वारा किया जाता है, पॉइंट इज नोटेड, ब्लड ग्रुप की जांच इसके द्वारा किया जाता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इस जांच से पता चलता है कि देखते जाए, इसके माध्यम से इसके माध्यम से
लिखते जाए पता चलता है कि चार ब्लड ग्रुप के अलावा चार ब्लड ग्रुप के अलावा तीन और ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जिसे एम एन कहते हैं। ऑनलाइन तो सब दिखाते भी जा रहे हैं, लिटरेचर बोर्ड में दिखाते जा रहे हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट से पता चलता है, इसके माध्यम मतलब एग्लूटिनेशन टेस्ट से पता चलता है कि चार ब्लड ग्रुप के अलावा तीन और ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं जिसे एम एन एंड एम एन कहते हैं। अब आगे भी ध्यान से लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे आप रुक जाए, अब यहाँ पे कॉपी पेन नहीं चलाएंगे, नो पेन यूज। अब हम सिर्फ चलाएंगे, आप देखेंगे कि यूट्यूब चैनल निकाल के आप लिखते जाएंगे। पहले आप देखें, जब देखिएगा तभी आपका ब्रेन जो है काम करेगा। यहाँ पहले देखने वाली बात है और हम लिखते भी जाएंगे, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, सुनना है, आप बाद में लिखिएगा। जान लीजिए, पहले चर्चा कर लेते हैं। एम ब्लड ग्रुप जीनोटाइप रूप से एम एम के साथ, एन ब्लड ग्रुप एन एन के साथ, लेकिन एम एन ब्लड ग्रुप एम एंड एन एक ही साथ प्रभावित होते हैं, उसी क्रिया को डोमिनेंस कहते हैं। समझ गए? एम ब्लड ग्रुप, देखे आप ध्यान से, यहाँ देखे एम ब्लड ग्रुप एम एम के साथ, एंड ब्लड ग्रुप एन एन के साथ, लेकिन एम एन ब्लड ग्रुप एम एंड एन एक ही साथ प्रभावित होते हैं, उसी क्रिया को डोमिनेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लिखने परमिशन दे देंगे। भले हम सोचे तो हम ये लिखेंगे, लेकिन नहीं, आपको लिखने परमिशन दे देंगे। आगे समझिए, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम का ब्लड में कोई खास महत्व नहीं होता है, कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन कानूनी मामले और पैतृक झगड़े में इसका बहुत ही यूज किया जाता है, बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। तो समझिए, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम का ब्लड में कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन कानूनी मामले में, दावपेच में और पैतृक झगड़े में इसका यूज किया जाता है। अब मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाए, आप बात समझ गए, अब लिखते जाए। आप पढ़ा गया एम ब्लड ग्रुप जीनोटाइप रूप से एम एम के साथ, एंड ब्लड ग्रुप जीनोटाइप रूप से
के साथ तथा एम एन ब्लड ग्रुप जीनोटाइप रूप से एम एंड एन एक ही साथ प्रभावित होते हैं तो उसे डोमिनेंस कहते हैं। लिख लिया होंगे, ये देखिए लिखिए, फिर चर्चा करते एम ब्लड ग्रुप जीनोटाइप रूप से एम एम के साथ, एन ब्लड ग्रुप जीनोटाइप रूप से एन एन के साथ, लेकिन एम एन ब्लड ग्रुप जीनोटाइप रूप से एम एन एन एक ही साथ प्रभावित होते हैं तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। अब आगे लिखे हाफ पैराग्राफ, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम का ब्लड में कोई खास महत्व नहीं होता है। एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम का ब्लड में कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन कानूनी मामले होते जा रहे होते जाए लेकिन कानूनी मामले और पैट्रिक पैटर्नल PATERNAL लेकिन कानूनी मामले और पैतृक झगड़े में एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम का ब्लड में कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन कानूनी मामले और पैतृक झगड़े में इसका यूज किया जाता है बात समझिए। इसमें और कई कई नॉलेज है, लेकिन हम इतने ही नॉलेज देंगे ताकि आपका आगे लाइफ साइकिल और बढ़े। अब एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम का स्टडी हो गया, यहाँ तक लिखाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ तक उतारिए, पहले सारा वो हो गया, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल भी खत्म हो जाएगा, इसका कम समय लगेगा, बहुत ही कम समय है, इसका स्टडी आज करा ही देते हैं। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा एग्जाम्पल एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम उस समय प्रभावित होते हैं जब ए एंड बी एक ही साथ कार्य करते हैं,
इसी क्रिया को कोडोमिनेंस कहते हैं। बहुत संक्षेप में इसका यह ब्लड ग्रुप सिस्टम, यह मतलब ए बी, यह ब्लड ग्रुप सिस्टम लिखते भी जाए, यह ब्लड ग्रुप सिस्टम उस समय कार्य करते हैं, जब ए एंड बी एक ही साथ, या ब्लड ग्रुप सिस्टम उस समय कार्य करते हैं, दोहरा रहे हैं, जब ए एंड बी एक ही साथ कार्य करते हैं, एक ही साथ प्रभावित होते हैं, प्रभावियां ज्यादा लिख देते हैं, एक ही साथ प्रभावित होते हैं, इसी क्रिया को डोमिनेंस कहते हैं। टॉपिक समाप्त हो गया। को डोमिनेंस क्या है, परिभाषा समझाए, इसका दो एग्जांपल बताए, दोनों एग्जांपल कई कई ऑब्जेक्टिव निकला, सारा मामला हमने समझा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 6 में आप देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसका एक और टॉपिक बचा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उस क्रोमोसोमल थ्योरी का जो है ना अंतिम पार्ट बचा है अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब उसमें समझाएंगे। वीडियो का बढ़िया से पढ़ लेंगे और लाइक सब्सक्राइब के द्वारा हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे ताकि हमारी मेहनत आगे और बढ़ते रहे। थैंक यू।